क्वेश्चन नंबर 31 प्रोसेस अकाउंट में है और प्रोसेस अकाउंट्स का इसमें देखते हैं हम लोगों को क्या नया मिलता है। टू बाय प्रोडक्ट बी एंड सी आर द प्रोडक्ट इन द कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट ए, यानी कि प्रोडक्ट ए हम लोग बना रहे थे उसके कारण प्रोडक्ट बी और सी बाय प्रोडक्ट निकला। देयर एक्सपेंसेज आर एज फॉलोज, ज्वाइंट एक्सपेंसेज दिया हुआ है इन तीनों के ऊपर जो खर्च हुआ है, ज्वाइंट एक्सपेंसेज 72,000, 80,000, 26,000, 1,78,000, जबकि ए बी सी का अपना पर्सनल यानी कि सेपरेट एक्सपेंसेज का टोटल है, मटेरियल लेबर ओवरहेड का टोटल है 64,000, इसका मटेरियल लेबर ओवरहेड का टोटल है 36,000, इसका मटेरियल लेबर ओवरहेड का टोटल है 18,000, जबकि सेलिंग प्राइस इन तीनों का दिया हुआ है 2 लाख, ए का, बी का 1,20,000 और सी का 40,000, जबकि एस्टिमेटेड प्रॉफिट या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 40,000, 20,000, 4,000, ये अमाउंट में यहाँ दिया हुआ है। हम लोग को बनाना क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट शो द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, और ये हम लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग वर्किंग नोट करेंगे। सेलिंग प्राइस ए बी सी का 2 लाख, 1,20,000, 40,000 एज पर एज क्वेश्चन। लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अमाउंट गिवन था क्वेश्चन में 40,000, 20,000, 4,000, माइनस किए मेरा आ गया टोटल कॉस्ट 1,60,000, 1,36,000। लेस किए सेपरेट एक्सपेंसेस जो उन लोगों का क्वेश्चन में दिया हुआ था अपना अपना 64,000 माइनस करेंगे, यहाँ देखिए आ गया 96, यहाँ माइनस करेंगे 36, आ गया मेरा 64, और यहाँ माइनस करेंगे 36 से 18, मेरा आ गया 18। तो शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस का मेरा जो बुक से आंसर था वो बिल्कुल टैली कर रहा है, 96,000, 64,000 और 18,000। अब आइए इसका अकाउंट देखते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले अकाउंट जो बनाएंगे हम लोग, ए मेन प्रोडक्ट का अकाउंट बनाएंगे। मटेरियल ज्वाइंट और सेपरेट मिला के 92,000, लेबर ज्वाइंट और सेपरेट मिला के 1,04,000, ओवरहेड ज्वाइंट और सेपरेट मिला के 46,000। इसमें से माइनस कर देंगे बी बाय प्रोडक्ट का शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस 64,000 और सी बाय प्रोडक्ट का शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस 18,000। तो टोटल कॉस्ट हुआ मेरा 2,42,000, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों का शेयर, तो मेरा बचेगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल 1,60,000। 1,60,000 को नीचे लेके आएंगे, उसमें प्रॉफिट ऑन सेल 40,000 प्लस करेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा बाय सेल ऑफ फिनिश स्टॉक 2 लाख। अब आते हैं बी बाय प्रोडक्ट में। ए से उसका ज्वाइंट एक्सपेंसेस आया 64,000 शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, उसमें वो अपना मटेरियल लेबर और ओवरहेड को ऐड कर दिया तो आया 1 लाख। 1 लाख इज द कॉस्ट ऑफ सेल, 1 लाख को नीचे लेके आए, 2 कॉस्ट ऑफ सेल 1 लाख, उसमें ऐड किए प्रॉफिट ऑन सेल 1,20,000 और यहाँ लिख दिया बाय सेल ऑफ प्रोडक्ट 1,20,000। इसी तरह से हम लोग सी के पास भी जाएंगे और सी का बाय प्रोडक्ट अकाउंट ओपन करेंगे, जिसमें ए मेन प्रोडक्ट से उसका शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस आया 18,000, मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल मिला के उसका हो गया 36,000 कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल नीचे आएगा, 2 कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें 2 प्रॉफिट ऑन सेल, यानी कि जो प्रॉफिट जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है ना, इसी फॉर्मेट के बेस पे सारा सम्स बन रहा है, तो 4,000 को यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे 40,000, ये मेरा हो गया बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट 40,000। तो ये जो मेन अकाउंट है इसको बनाने के पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये वर्किंग नोट एकदम सही करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे ये सारा अकाउंट आपका बन रहा है। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, देखते हैं प्रोसेस में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है।